हाय गाइस, वेलकम टू आईपीएम एंड बीबीए एंट्रेंस 2024 प्रिपरेशन वीडियो। चाहे आप आईटी मैट इंदौर रोहतक लिख रहे हो, या तो जिप मैट लिख रहे हो और आई एम जम्मू बोध गया, या आई एम रांची के लिए प्रिपेयर कर रहे हो थ्रू योर आईटी मैट इंदौर, या एनएमआईएमएस थ्रू एनपैट, या सिम्बायोसिस थ्रू सेट जनरल, या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर पीपल। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर, how to crack it, and what are the things you should do pre-board examination and right after your board examination, what are the things you supposed to do, ठीक है। तो board exam के पहले क्या क्या करना है और board exam के बाद क्या क्या करना है, वो सारे प्लान मैं देने वाला हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन टेंशन कि सर प्रिपरेशन बोर्ड के बाद कैसे करेंगे, तो उसका रोड मैप आपको अभी से लेना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड के बाद अगर आप रोड मैप लेने में, प्लानर लेने में जाओगे तो टाइम और ख़राब होगा, ठीक है। तो जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में वो फॉलो करना है आपको स्ट्रांगली, और जो प्री वर्क है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो प्री वर्क है वो आपके मेनूबोर्ड के डैशबोर्ड पे जो पूरा वीडियो एक्सेस दिया हुआ है उसमें से कुछ वीडियोज़ देखना आपको चालू अभी से कर देना है 12 बोर्ड के साथ। तभी बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर 12 बोर्ड के साथ कैसे पढ़ेंगे, तो 12 बोर्ड पे आपका फोकस रखो, थोड़ा सा टाइम निकालना है आपको, एक डेढ़ घंटा दो घंटा, और बाकी की चीज़ें प्री वर्क कर लेनी है, रोड मैप प्लान कर लेना है, ठीक है। सो वॉट एवर आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो, उसको जॉट डाउन कर लो, उसको फॉलो करना चालू कर दो, एंड ये वीडियो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड लोग के साथ, जितने लोग आई पी मैट, बी बी ए एंट्रेंस, या एन पैट, सेट, क्राइस्ट, सी यू टी, या जो भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी हैंडी होने वाला है उनके लिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनूवर आई पी एम एंड बी बी ए एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Alright, so before I start, at Manuvar we have launched batches at our all the center. अगर आप मुंबई बेस हो तो you can visit our center, Borivali, Dadar, Vasai, Thane, Andheri. These are the contact details. You can join the batches. But if you are not Mumbai based, you can check out our online live classes. You can contact our team on this number. So 15 March onwards we are starting the batches. And those who want to take enrollment, 10th March के पहले ले लो, you get 20% discount. Kindly contact to the team at the center, they will give the complete information regarding the discounts and the admission part. Target bahut clear hai, IIM, NMIMS, Symbiosis, Christ, TISS, Saint Xavier, ya dusra koi college aap target kar rahe ho, uske liye aapka planning acha hona chahiye. Planning ek bar ho gayi to preparation is important, aur uske baad execution, ye teen cheezon pe kaam karna hai. To maine aapko complete time table bana ke de diya hai ki kya kya topic hum cover karenge crash course mein. सो क्वांट के अंदर ये सारे टॉपिक है पूरे जो अपने कवर होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक है जो कवर होंगे, चाहे आप जो भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस, एंड सम ऑफ द एग्जाम जीके इज इम्पोर्टेंट, तो हाँ जीके को लेके भी आपका सेशंस रहेंगे, ओके। सो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो दोज आर मुंबई बेस्ड, यू कैन कॉन्टेक्ट टू आर टीम विद रिस्पेक्ट टू योर नियरेस्ट सेंटर, एंड इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन बैचेस, सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो टाइमलाइन वाइज वी हैव मार्च मंथ, वी हैव अप्रैल मंथ, और मई मंथ में आपके मेजर एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो मई का टाइम तो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मई मंथ को हम साइड कर देते हैं। मार्च में आपका मिड के आसपास एग्जाम खत्म हो रहा है 12 बोर्ड का, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों का एग्जाम 20th तक जा रहा है। सो कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि आपका डेट क्या है बोर्ड एग्जाम का, अगर आप बोर्ड के साथ ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे वो आई पी मैट है, एम पैट है, सेट है, क्राइस्ट है, सी यू टी है, जो भी एग्जाम है 12 बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। पहले तो टारगेट सेट कर दो यार, मुझे आई एम में जाना है, मैं क्लियर हूँ, मुझे आई एम इंदौर ही जाना है, रोहतक में नहीं जाना, या ठीक है मुझे आई एम इंदौर रोहतक भी चलेगा, मुझे रांची भी चलेगा, मुझे जम्मू भी चलेगा, बोधगया भी चलेगा, या आपको मुझे आई एम नहीं जाना, मुझे एन एम एम एस में जाना है, मुंबई कैंपस में जाना है, मुझे सिम्बायोसिस पुणे में जाना है, मुझे क्राइस्ट बैंगलोर में जाना है, या जो भी कॉलेज है ये डिसाइड करोगे तो उस हिसाब से अपना गोल टारगेट अपन यू नो चेज करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। मेजर पांच चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, एक तो सिलेबस, स्कोर वर्सेस कॉलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, पोस्ट बोर्ड एंड प्री बोर्ड, क्या क्या काम करना है अपने को, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग आई पी मैट, एन पैट, सेट, क्राइस जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, दे शुड ऑल्सो भी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। इसके बाद मेरा एग्जाम वाइज स्पेसिफिक प्लानर वीडियो आएगा, उसको भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस में अपने पास मेनली है लॉजिक, इंग्लिश,
कॉन्ट, ये तीन डोमिनेटिंग एरिया है मेजर एग्जाम में। कुछ एग्जाम में जीके ऐड होता है, कुछ एग्जाम में जीके नहीं आता है, बट हाँ कुछ इंटर एग्जाम के अंदर आपका इंटरव्यू पार्ट है तो जनरल इश्यूज जो चल रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेनली आपका ये तीन एरिया होंगे। क्वांट के साथ साथ कुछ एग्जाम में डीआई भी आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो भी करना रहेगा अपने को, ठीक है ना। एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट से पहले सिलेबस वगैरह खत्म करने के बाद टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन की एक्यूरेसी एंड स्पीड, क्वेश्चन मेरे कम टाइम में होने चाहिए और सही होने चाहिए, ये दोनों चीज़ अपने को इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी। टाइम कम है अपने पास, ये सब चीज़ों पे अपने को काम करने की ज़रूरत है, इसलिए अपने को प्री बोर्ड थोड़ा सा काम करके ले लेना है, ठीक है। स्कोर वर्सेस कॉलेज है ना, जैसे कि आपको इंदौर जाना है तो उसमें आपका स्कोर सेट होना चाहिए, रोहतक जाना है तो मुझे ये एग्ज़ाम में ये स्कोर चाहिए, ठीक है। आई एम रांची हो गया आपका, जम्मू हो गया, बोध गया हो गया, वैसे एन एम आई एम एस है आपका, एन एम आई एम एस के लिए स्कोर पता होना चाहिए, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट टेस्ट। सो दिस इज़ वॉट आई डिस्कस इन दी क्लास ऑल्सो, मैं फर्स्ट क्लास में आपसे ये भी डिस्कस भी करूँगा। बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, स्टडी अबाउट द एग्जाम, वॉट एग्जाम डिमांड्स, वॉट इज द सेलेक्शन प्रोसेस, वॉट इज द कट ऑफ, वॉट आर द कंपनीज कमिंग अप फॉर द हायरिंग, राइट, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में, ये सब चीज़ें सिलेबस से लेके प्रिपरेशन से लेके सब चीज़ों को थोड़ा स्टडी करो। टेक अ डे और टू डे का टाइम, ये सारी चीज़ें स्टडी करो, एक वीक का टाइम लो, बट डायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो, एटलीस्ट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो। वी गॉट द गूगल, वी गॉट द यूट्यूब, एग्जाम के बारे में डालो, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, गूगल विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस एग्जाम्स, है ना। तो क्या स्कोर चाहिए, किस कॉलेज में जाना है, ये फिक्स करो, ठीक है। इसको लेके कट ऑफ वाला चाहिए तो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, यू कैन सी द कट ऑफ वाला वीडियो। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के अंदर एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब या अभी आप इंडियन एक्सप्रेस चालू करो या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से भी कर रहे हो तो भी चलेगा। पेज वन एंड एडिटोरियल, आपकी रीडिंग हैबिट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वो कैब आपको मिलेगा नया नया वो कैब डेली बेसिस पे, ग्रामर का स्किल आपका इंप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें आपकी काम आनी है। बिकॉज पेपर में रीडिंग हैबिट चाहिए आपको, यू हैव टू रीड द डेटा, यू टू अंडरस्टैंड द डेटा, नॉट ओनली इन द इंग्लिश सेक्शन, बाकी के सेक्शन को भी रीड करने के लिए यू नीड अ पेस, तो स्पीड भी चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी चाहिए, तो ये काम। रिवीजन, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो पोस्ट कोविड, जब भी आपके लेक्चर्स होंगे, है ना, तो जितने भी टॉपिक हो रहे हैं उसकी प्रैक्टिस डेली, वीकली एंड मंथली। वी डोंट डू दिस, हमने आज क्या पढ़ा है वो हम एक महीने बाद खोलते हैं, भूल ही जाओगे ना आप। आपको ये डेली वीकली मंथली बेसिस का कंसेप्ट लेना ही पड़ेगा। स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आइडली वी रन अवे फ्रॉम आवर वीकनेसेस, मतलब अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं उसको बिल्कुल भी सॉल्व करने के लिए एफर्ट नहीं डालूंगा, तो आई विल ऑलवेज क्रिबल फॉर इट, मैं ये सोचूंगा कि कैसे टॉपिक को मैं छोड़ दूँ या इसमें से क्या क्या करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, और जो स्ट्रेंथ है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको और बेटर बनाओ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंस, अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि यार स्कोर कम आ रहा है, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। एग्जाम को फॉर ग्रांटेड मत लो, 5-10% जो पॉपुलेशन है, बिकॉज सारे एग्जाम में कॉम्पिटिशन है और आपको कॉम्पिटिशन बीट करने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। बहुत ही ईजी पेपर, हलवा पेपर आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर ईजी आ भी गया है तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, राइट। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ एनी ऑफ द फैकल्टी हैव अपीयर फॉर द एग्जाम या उसने कुछ एग्जाम निकाला हुआ है, उससे आप गाइडेंस लोगों तो फैकल्टी विल गाइड यू बेटर, ठीक है। तो ये गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। वन गोल नो ऑप्शन एटीट्यूड के साथ प्रिपेयर करो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड कि यार ये कॉलेज में जाऊँगा, अगर ये नहीं मिला कॉलेज, है ना, तो फिर मेरा तो करियर मतलब ख़राब ही हो गया। जब तक ये फियर अंदर नहीं आएगा, इसको बताओगे नहीं आप, तब तक आप चिल होके प्रिपेयर करोगे। हम कॉलेज में होते थे ना, मतलब कि ये सोचते थे यार अगर वो वाली नहीं मिली तो नस काट लेंगे, ये कर लेंगे, तो हाँ ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो समथिंग बैड विल हैपन इन माई लाइफ, दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल टू योर माइंड कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा तो अपने को एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। जो कपाट, बट ये करना ज़रूरी भी है। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, और उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम लिखना है, क्या स्कोर चाहिए, ये आपने अगर स्टिक कर दिया आपके नोटिस बोर्ड के सामने, मोटिवेशन बाई डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपना प्री बोर्ड एंड पोस्ट बोर्ड पे। देखो ट्वेल्थ बोर्ड की, अभी आपका ट्वेल्थ बोर्ड चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके डैशबोर्ड पे मेन्यूअर का डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वंस यू ज्वाइन दी मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम, जो भी बैच अभी स्टार्ट हो रही है तो स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड एनरोलिंग फॉर द बैच और उनको वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिल जा रहा है, ठीक है। तो वो एक्सेस से आप वर्ड पर मेड इजी का वीडियो देख के ख़त्म करो, डेली के 30 मिनट्स बहुत हो गए, 5-6 वीडियो देख डालोगे आप,
यहाँ से वोकैब वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इंग्लिश के पूरे वीडियो देख के ख़त्म करो, है ना। स्टार्ट विद द ग्रामर फॉलोड बाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉलोड बाई अदर वीडियोज़। जब भी आपका लेक्चर होगा तो आप रिवाइज करोगे। परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, ये तीन टॉपिक के वीडियोज़ देख के ख़त्म करो, आपका बेसिक मैथ्स एटलीस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी के जब भी लेक्चर्स होंगे तो हम करेंगे। तो ये सारे वीडियोज़ आपको मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे मिलेंगे, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़, ठीक है। पोस्ट बोर्ड, जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सारे सेक्शन को पढ़ेंगे, चाहे आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया या क्लासरूम लिया हुआ है, ठीक है। लेक्चर्स जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे, लेक्चर्स के पहले आपको क्या करना है, वीडियो देख के आना है, और ई बुक्स बुक्स जो भी आपको मिली है उस टॉपिक में एक पेज का थ्योरी होता है, उसको गो थ्रू करके फिर लेक्चर में आना है। फिर लेक्चर के बाद आपको वो उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चन, फिर टॉपिक टेस्ट लिखना है, देखना है कि हाँ मुझे इस टॉपिक को कितना आता है। हर एक टॉपिक में 10 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स के लिए टाइम प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक साथ में अगर आपको बोलूँ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में या 120 क्वेश्चन सॉल्व करने 2 घंटे में, इट विल बी चैलेंजिंग फॉर यू, आई नो। बट अगर यही बोलूँ मैं, एक छोटा टेस्ट है 10 मिनट का, 10 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो छोटा छोटा टेस्ट है ना, आप करोगे, है ना। तो टाइम प्रेशर क्रिएट होगा और थोड़ा सा आप मतलब टाइम को मैनेज करना सीखोगे। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट और एनालिसिस उसकी, ये सारे काम हमको बोर्ड के बाद करने। बोर्ड के बाद तो भाई आपको 8 घंटे 10 घंटे लगाने हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर आपको यहाँ पे जाना है तो, जो भी कॉलेज में यहाँ पे लिखे होंगे, अगर यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो मेरा टाइम टेबल को लेके आने वाला है, ठीक है। इस पर मैंने प्री बोर्ड एंड पोस्ट बोर्ड क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बता दी है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड टू जॉइन द क्रैश कोर्स, इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली दादर वसई थाने अंधेरी, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सो इन द फर्स्ट लेक्चर आई विल मीट यू पीपल, यू कैन मीट मी पर्सनली एंड आई विल बी गाइडिंग यू कि पूरी पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम खराब नहीं करना अपने को, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। प्रिपेयर वेल, दिस ईयर विल बी श्योरली क्रैकिंग आर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।